सिंह जसोटिया डोगरा एकता मंच और युवा राजदूत सभा का एक छोटा सा सिपाही। एक सबसे पहले मैं आपका मीडिया बंधु का धन्यवाद करूंगा। आज ये प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आपको पता है कि पिछले साल 23 सितंबर 2022 को हमें छुट्टी मिली थी, तो आज ये एक साल कंप्लीट हुआ है। ये जो महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, ये हम बहुत ही हर्षोल्लास से और एक पर्व के तौर पर मनाएंगे। इसका ये जो इसका कार्यक्रम की रूपरेखा है, थोड़ा मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये जो हम रैली की शेप में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो चौक है, तो पहले वहाँ पे ही हम शुरुआत करेंगे, वहाँ श्रद्धांजलि दे के वहाँ से एक रैली की शेप में ढोल नगाड़ों में के साथ और बैंड बाजों के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें पूरा डोगरा समाज, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरीके से जितने भी हमारे जहाँ पे कठुआ में तहसील्स हैं, विलेजेस हैं, अंदर है हमारे कंडी बेल्ट है, सबको हमने न्योता दिया है। और आपके माध्यम से भी ये एक मैसेज दे रहे हैं कि सबको एक मैसेज है कि जहाँ आप आएँ और हमारे जहाँ पे एक पर्व मनाएं। और दूसरा, जहाँ से रैली चलेगी बिल्कुल फिक्स टाइम है 10:30 बजे, 10:30 पर। तो ये रैली जहाँ शहीद जो हमारा शहीद भगत सिंह पार्क है, जहाँ पे हम शहीदों को नमन करेंगे, और इसके बाद टांगरी पैलेस में हमने एक जहाँ पे एक पैलेस बुक किया है, जहाँ पे हमने जितने भी हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जहाँ हमारे पंच सरपंचस हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं, जहाँ हमारे मीडिया बंधु आप भाई, इनको सबको हम सम्मानित करेंगे महाराजा हरि सिंह जी का एक सर्टिफिकेट से और महाराजा हरि सिंह के चित्र से, मोमेंटो से। तो हम सबको एक सम्मानित करेंगे जो हमारे कठुआ का नाम रोशन करते हैं। तो इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो डीसी कठुआ श्री राकेश मन्हास जी और एसएसपी कठुआ श्री शिवदीप सिंह जी हैं। तो वो आके बच्चों को एक आशीर्वाद देंगे। तो इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं और सबको आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे नौजवान, मातृशक्ति, बहनें, बुज़ुर्ग और जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किस्म के लोग जहां आए और हम मिलके एक पर्व मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा। आज इस दिन को मनाया जाएगा, लोगों का क्या संदेश पहुँचा? सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आप एक निवेदन पे यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान यहां पर चरणजीत सिंह बोला जी बैठे हैं, हमारे बबलू जी जसरोटिया साहब बैठे हैं, हमारे मुस्लिम भाई और बड़े हमारे ये जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उपदेश नूत्रा जी महिला विंग से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये भी यहाँ पर हैं। तो आपने जो सवाल किया, सबसे पहले मैं आप पर ये तारुफ करवा दूँ कि जो 23 सितंबर की जो छुट्टी पिछले साल हुई थी, जिसमें युवा राजपूत सभा ने तो जद्दोजहद की थी, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सभी जितने भी हमारी रिलीजियस हमारे सरदार हिंदू मुस्लिम सिख भाई, जितने भी ईसाई भाई, जितने भी थे, वो सभी ने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। उस समय आपको भली भांति जानते हैं, और छुट्टी हुई थी, तो मैं जैसे इन्होंने ये निवेदन किया है कि हम मुखर्जी चौक से ये उस दिन हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे, मैं ये भी तारुफ करवा दूं कि उसका कारण है कि हम क्यों वहाँ से शुरू कर रहे हैं मुखर्जी चौक से, क्योंकि अगर 370 को तोड़ने की मुहिम जब शुरू की गई थी हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय के मंत्री थे, कबीना मंत्री थे, और एक बंगाल से एक चिंगारी उठी और उन्होंने आके यहाँ पर शहादत दी थी, इस लखनपुर को क्रॉस करके कठुआ में, आप भली भांति जानते हैं कि उनकी शहादत के कारण हमने ये सोचा है कि इस बार सभी बरादरी, सभी हमारे रिलीजियस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं,
हम सभी वहाँ जाएंगे और उनको एक श्रद्धा पूर्वक हम उनको श्रद्धांजलि भी वहाँ पर देंगे और वहाँ से ही यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैसे महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे महाराज हुआ करते थे, जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स लाए थे उस समय जब वो अपने अपने टेन्योर में जब राजा के रूप में वह यहाँ पे जम्मू कश्मीर के करीबन थे, तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स लिए थे जिसमें सबसे बड़ी थी अनटचेबिलिटी, जो टचेबिलिटी को छुआछूत को ख़त्म किया गया था, तो उसी कड़ी में जो उनके रिफॉर्म्स हैं एजुकेशन में, मेडिकल में, जो भी हेल्थ में, जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उनको आज सभी अगर हम याद करें और उनके साथ अगर कहीं भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारा कठुआ वैसे भी सेकुलर एकता के लिए माना जाता है, तो मेरा निवेदन यही होगा, कठुआ आवाम से भी होगा, हमारी युवा शक्ति से भी होगा, और जितने भी रिलीजियस हमारी संगठन्स हैं और जितने सोशल संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी से निवेदन है कठुआ के आवाम से कि 23 सितंबर को उस यात्रा में शरीक हों और यहाँ पर आकर, जैसे उन्होंने कहा है कि हम भगत सिंह चौक पे यहाँ इस यात्रा को ख़त्म करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा जिसमें संबोधित भी किया जाएगा और जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जैसे इन्होंने कहा है कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और मीडिया बंधुओं को और जो भी सरपंची पंचेज हैं उनको भी हम उनको करना है, डिप्टी कमिश्नर कठुआ और SSP वर्दी SSP जमाल साहब ने, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। 23 सितंबर हमारे लिए एक पर्व के रूप में इस मनाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि अब जैसे छुट्टी तो है ही है तो इसको एक ऐसे ही पर्व के रूप में देखा जाए और मनाया जाए कठुआ आवाम के लिए। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि सभी एक बार हम फिर सब मिलकर हिंदू सिख मुस्लिम भाई जितने भी हैं ईसाई एक मंच के ऊपर खड़े हों और महाराज साहब को अपनी श्रद्धांजलि पेश करें। धन्यवाद। GPC ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ 23 ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਜੀ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਬਗੈਰ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ MP MLA ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਠੂਆ। ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ
और पूरे जम्मू कश्मीर के डोगरा समाज को मैं इस 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे सीनियर्स भाई साहब सलाथिया साहब प्रधान जी इन्होंने सभी ने इसमें ब्रीफिंग बता ही दी है, स्पोर्ट्स कॉर्नर से मैं भी अपने कठुआ के जितने भी हमारे हेल्थ क्लब हैं, जिम्स हैं, इनके ट्रेनर्स कोचेस और जो प्लेयर्स हमारे स्टेट लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कठुआ का मान सम्मान बढ़ा के वापस आए हैं, उन सबको इस मंच की तरफ से मैं न्योता देता हूँ कि वो सभी इस प्रोग्राम में इस जो एक पर्व के तौर पे मनाया जा रहा है यहाँ पे आके शमूलियत दें। हम इस मंच की तरफ से उन सबको फैसिलिटेट करेंगे। और आप मीडिया बंधुओं को मैं एक न्यूज़ और देना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस की चैंपियनशिप 8 अक्टूबर को रिवाज बैंकिट हॉल लखनपुर में चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें आप सभी को भी इनविटेशन है मेरी तरफ से और सभी प्लेयर्स इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इस प्रेस वार्ता च मंच पर सम्मानित आदरणीय श्रीमान रविंदर सलाथिया जी, आदरणीय चंद्र सपोला जी और आदरणीय बहुल सिंह सोटिया जी और स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट और मेरे पीछे युवा शक्ति और मीडिया बंधु, तुसें सारें गी मेरा जय देव, जय श्री राम। जियां कि मेरे को पहले जिन्हें भी प्रवक्ता इत्थे बोला दे अपने अपनी गल रखा दे कि कै दिवस अज इत्थे इकट्ठे होए और केह करना सी जा ने 23 सितंबर गी, और तुसें सारे पता चली आ। मैं थोड़ा हटिए बोलगी, पहले तो गल है कि 23 सितंबर गी महाराजा हरि सिंह की जयंती होंगी, जिहड़ी कि छुट्टी हुई सन 15 सितंबर 2022 विच, उहदे बाद इह दूआ दिहाड़ा आ असीं जिहड़ा मनाउण जा रहे परसों। जित्थों तक गल है महाराजा हरि सिंह जी की, मैं अगर गल एक महिला होने के नाते गल करा कि उन्हें महिला के जीवन के सुधार वास्ते अपने कार्यकाल विच बड़े सारे काम किए, जिंदे के मुख्य रूप दो है, एक महिला की शिक्षा वास्ते उन्हें बड़े सुधार किए, दूआ बाल विवाह रोकने वास्ते उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। और मैं जिहड़ा परसों साडा शोभा यात्रा निकला दी मुखर्जी चौंक कठुआ कोलो ते शहीद भगत सिंह पार्क तक, उहदे वास्ते मैं कठुआ की जिनी भी साडी मातृ शक्ति है जां साडियां युवा लड़कियां ने उनके सारे अगे बिना निवेदन करनी है कि महाराजा जी ने साढ़े महिला वास्ते जम्मू की नारी शक्ति वास्ते अगर इन्ना कुछ कीते दा है, अज साडा भी फर्ज बनता कि उनका जिहड़ा जन्म दिहाड़ा है अस उस शोभा यात्रा विच ज़्यादा संख्या में शामिल होइए तो अच्छी शोभा यात्रा की और रौनक बढ़ाइए। एक गल होर रखनी कि जियां मेरे को पहले सारे बोलिया कि जी शोभा यात्रा बाद जिसलै असें संबोधन जो कार्यक्रम रखे दा ना ढांगरी पैलेस विच गै 1 बजे, उहदे विच जिहड़े प्रतिभावान बच्चे ने चाहे वह कुड़ियां ने चाहे वह मुड़े ने कठुए के, उनेंगी सारे गी इन्हें सम्मानित करना, उनका उत्साहवर्धन करने वास्ते। सम्मानित का मतलब ये होंगे कि जो बच्चा काम कर रहा थोड़ा हटिया आउटस्टैंडिंग बच्चे होंगे उन थोड़ा उत्साहवर्धन होवे। तो मेरी विनम्र निवेदन ये है सारी कठुए की जी बच्चिया ने प्रतिभावान बच्चिया जिन्हें थोड़ा हाईएसट मार्क्स ले दे जां कुछ होर कितने अजकल तो किन्ने कोई केएएस करा दा कोई कुछ करा दा, वो जिनी भी बच्चिया जिन्हें जो अचीवमेंट की उन्हें सारे गी नंबर मैं भी बोल दी इत जो मुख्य साढ़े बैनर पर नंबर लगे उन्हें अपने अपने नाम लिखाई देन और वो शोभा यात्रा में गै शामिल हो तो बड़ी अच्छी गल है। 10:30 बजे उत्थे पुज्जे मुखर्जी चौंक बिच, उहदे बाद साढ़े कन्नै कन्नै गै इत ढंग रहे तो उन्हें अस सम्मानित करगे। और मिगी बड़ा अच्छा लगना कि अगर कठुए बिच बच्चें दी उहदे बिच लिस्ट बिच ना ज़्यादा होन, क्योंकि पर्सनली अस ज़्यादा को ज़्यादा नहीं कंटैक्ट कर सकते, पर अगर ये प्रेस वार्ता के माध्यम कन्नै अगर साडा सुनेहा सारे सुना दे ने तो एक दो कल का दिन है तो सारे अपना अपना नाल है तो जो माता पिता ने उन्हें अगर भी निवेदन करनी है कि अपनी बच्चियों के ज अपने मुंडे के लड़कियों के नाम लिखाई देन, साढ़े को जो लिस्ट बना दी है प्रतिभावान बच्चे की। और जोड़ा इतिहासिक दिन होया लोकसभा विच और अजकल सारे बड़े जागरूक ने सोशल मीडिया के माध्यम कन्नै सारे ही पता चली है कि साढ़े महिला वास्ते एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतिहासिक सानू जो तोहफा दिता है वो 33% महिला आरक्षण बिल जिहड़ा लोकसभा च पास होया बड़े अच्छे बहुमत कन्नै पास होया
और मैं लगता कि अपर हाउस में पास हो ही जाना है जिड़ी कि साड़ी एक लंबी देर की एक मांग ही सारी महलें की कह रहे वो गल है कि जिन्ना अगर निकलो बिना आरक्षण के भी निकली जी सा बड़िया उदाहरण है साढ़े राजनीतिक क्षेत्र या समाजिक क्षेत्र में बट फिर भी साड़ी बड़ी मांग ही सारी मैं एक पार्टी की गल नहीं करनी सारी हिंदुस्तान की सारी नारी शक्ति माता शक्ति कि सानू 33% महिला आरक्षण दिता जाए जबकि जो DDC है BDC है पंचायत है म्युनिसिपल कमेटी है सारे बच्चे है मगर एक जड़े है राज्यसभा लोक सभा इन बिचार नहीं है अभी तक और वह भी सू मिला ये को बड़ी गल और कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम करना बन इस तुहाड़े मीडिया के चैनल माध्यम करना उनका आभार प्रकट करने है सारी जम्मू कश्मीर की महिला के तरफों और इयो तो चीज़ है कि साड़ी महिला शक्ति अज बाहर प्लेटफॉर्म कोई भी हो चाहे वह समाजिक क्षेत्र है चाहे राजनीतिक क्षेत्र है उन्हें बढ़ चढ़िया हिस्सा लेना चाहिए अगर 33% आरक्षण आता वास्ते तुम बाहर निकल गए नहीं अपनी पहचान के बना गए तो 33% भी वो महिला कुत्थों आंगन ये मेरा इो थोड़े सारे को निवेदन है कि अज को अपनी पहचान बनाना शुरू कर दो शुरुआत तुम 23 सितंबर को करो साड़ी शुभ यात्रा ज्यादा को ज्यादा संख्या में शामिल होवो और महाराजा हरि सिंह जी के श्रद्धांजलि भी होगी तरफों और जरा एक इस करियर का उसकी शुरुआत भी होगा इन्ने शब्द कहने के मैं अपनी बाणी विराज दिनी है जय हिंद जय भारत महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे अमर रहे महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे अमर रहे युवा रायपुर सभा जिंदाबाद युवा रायपुर सभा जिंदाबाद डोगरा एकता मंच जिंदाबाद डोगरा एकता मंच जिंदाबाद की चंद मिनट पहले डोगरा एकता मंच में युवा राजपूत कठुआ की सभा की ओर से एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें आने वाले 23 सितंबर को महाराज हरि सिंह की छुट्टी को लेकर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है कि कार्यक्रम में हिस्सा लें और इस जन्मदिन को त्यौहार के तौर पर मनाएं रैली में हिस्सा लेने पहुंचे और कार्यक्रम भी रखा गया है जिसको लेकर राजपूत सभा की ओर से लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो इसके साथ मैं हूँ राजकुमार और आप देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर।